जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं होली मिलन समारोह, जो कि मनाया गया था बड़े ही धूमधाम के साथ में और बड़े ही सादगी के साथ में, रसमय भक्ति भजनों के साथ में, सूफी भजनों के साथ में। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के अंदर काफ़ी अधिक छटा बिखेरी जा रही है। यहाँ पर जो भजन गायक आए हुए हैं, उन्होंने अपनी छटा बिखेरी है। अपना हमारा आपका समाज इस ग्रुप के द्वारा, ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कि शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ आकर के हिस्सा लिया और उन्होंने इस कार्यक्रम में जमकर के कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह कार्यक्रम बेहतरीन है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आज काफ़ी कम होते हैं, जो कि कुछ ही लोग कराते हैं, जिसमें से इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अधिक लोगों तक यह जानकारी शामिल हो सके। लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके अध्यक्ष हैं, धन्यवाद सर, आप आए और हमारा सम्मान दे। राधे राधे राधे। सुभाष गोयल, जनरल सेक्रेटरी आपका हमारा अपना समाज फाउंडेशन से। ये फाउंडेशन हमने एक ऐसे कार्य के लिए बनाई थी कि लोगों की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी हेल्प हो सकती है, गरीबों की, और कुछ अच्छे प्रोग्राम हम अपने करते रहते हैं। इसमें हेल्थ कैंप लगाना, आई चेकअप कैंप लगाना, हार्ट चेकअप कैंप लगाना, वुमेंस का जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के जो होते हैं, उसके भी हम कैंप लगाते हैं जी। मेदांता हॉस्पिटल से हम टाई अप करते हैं, और उसके बाद कुछ हम गरीब कन्याओं की शादी का भी अरेंजमेंट करते हैं, और जितना भी मदद हो सकती है किसी गरीबों की, हॉस्पिटल में मदद भेजना है, करना है, वहाँ एडमिशन कराना है, वो भी हम काफ़ी काम करते हैं। उस समय ये हमारी संस्था को अभी चले हुए 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 साल के अंदर हमने करीब 8 प्रोग्राम अभी तक दिए हैं, अपने एंटरटेनमेंट के भी, लोगों के प्लांटेशन का भी हम प्रोग्राम करते हैं। हमने 2 प्लांटेशन के प्रोग्राम किए हैं अभी तक। तो इस तरह के हम कार्य लेते रहते हैं कि जिससे कि पब्लिक की बीच में हमारे जितना भी सेवा कर सकते हैं वो सेवा करते हैं। आज अब ये होली मिलन का हमने प्रोग्राम सेकंड है हमारा, पिछले साल भी हमने किया था, वो चैम्स रोड क्लब में किया था, और ये प्रोग्राम हमने यहाँ इसलिए साउथ में चुना कि अभी साउथ दिल्ली में लोगों को ज़रा जोड़ें, यहाँ से भी कुछ, वहाँ के भी लोग जुड़े हुए थे वेस्ट से भी, और आज नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट और साउथ से, सभी दिल्ली के सभी एरियो से आज सभी हमारे गेस्ट, जिनको भी हमने इनवाइट किया वो आए। आज होलिका दहन के वजह से करीब 200 लोगों का इनवाइट किया था, जिसमें से कुछ लोग नहीं आ सके, त्यौहार का मौका है, लेकिन फिर भी एक अच्छी गैदरिंग हमारी हुई। और ये जो हमारा सिंगर ग्रुप था, हमारे हार्दिक आनंद बॉम्बे में बहुत अच्छी सिंगिंग के प्रोग्राम करते हैं, इनको वहाँ से मैंने बुलाया है। पंजाब से टीम आई है पूरी म्यूजिशियंस की, एक सिंगर हमने लड़की पंजाब से बुलाई स्पेशली, एक सूफी उसका अरेंजमेंट किया हमने, बैंड का बड़ा रिनाउंड बैंड इंडिया का है। तो हमने कोशिश की कि भाई किसी तरह से अच्छा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सकें। और यह आपका हमारा अपना समाज फाउंडेशन में जो हमारे बड़े रेस्पेक्टेड लोग हैं, ब्रज कला के अंदर से दिग्गज लोग हैं दिल्ली के माने हुए, वो सब लोगों को हमने इनवाइट किया, और जो वो सब लोग हमारे आगरे पे आए, हम बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। आप भी ब्रजवासी? नहीं, मैं ब्रजवासी नहीं हूँ, वैसे बेस मेरा वहीं से है, लेकिन अब तो हम दिल्ली से ही हैं जी, काफ़ी मतलब वैसे, लेकिन बेस वहीं का है, मथुरा का ही। तो सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा वो हुआ, और प्रोग्राम आपने देखा ही है। हाँ, बहुत अभी हमारे समाज, हमारा समाज फाउंडेशन, एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हमारा, काफी हमारा ड्रीम है कि एक हम अच्छा हॉस्पिटल बनाए, जिससे कि हम गरीबों के उनके लिए स्पेशली हम सेवा कर सकें। आयुर्वेदिक रहेगा या एलोपैथिक? नहीं, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक दोनों हम करेंगे उसमें। और एक हमारा बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हम अभी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं किसी को, क्योंकि जब तक हो ना जाए तो एकदम करना, लेकिन हमारा ये ड्रीम है। और एक हमारा मंदिर बनाने का ड्रीम है, हम मंदिर बनाएंगे दिल्ली में बिहारी जी का, वो हमारा एक ड्रीम है, बिहारी जी शायद हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो सर, जैसे मस्जिदों में बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, क्या इसी तरह से उस मंदिर में बच्चों को गीता और रामायण? देखो जी, गीता रामायण का तो हम करते ही हैं, मैं खुद पब्लिशर हूँ पेशे से,
मैं भागवत गीता छापी हुई है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे स्पेशल कमेंट्स भेजे उसके लिए कि भी बहुत अच्छा आपने कार्य किया है, और ऐसा भागवत गीता का भाष्य अभी तक किसी का नहीं है, इतनी सिंपल भाषा के अंदर हमने उसका वो किया है विवेचन कि एक ले मैन कैन अंडरस्टैंड, नहीं तो गीता के दो पेज पढ़ते हैं लोग संस्कृत की वजह से समझ नहीं पाते, और उसको हमने पद्यानुवाद और उसका विवेचन जो किया है वो इतनी सिंपल भाषा में किया है कि सब लोग समझ सकें उसको और उसका आनंद ले सकें और उसको समझ सकें गीता है क्या। और गीता आपको पता है कि जितनी बार भी पढ़ता है बंदा उतनी बार उसको नई चीज समझ आती है। जिस मर्जी पेज को गीता के खोल लो आप किसी चीज को पढ़ो आपको समझ आएगी कि वही आपके शायद वही विचार था आपका। इस तरह से होता है और हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसका हम प्रचार करते रहते हैं और बांटते भी रहते हैं, गीता बांटते भी हैं लोगों को। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और मंदिर में तो यही है कि बिहारी जी का मंदिर होगा, लेकिन उसमें हम कोई मदरसा टाइप या वो कोई स्कूल नहीं होगा, लेकिन हमारा एम है मंदिर बना के और उसको अच्छे से बिहारी जी का ऐसा हो जाए कि दिल्ली में कोई। हाँ सुरेश पोदार, पीतमपुरा निवासी, राजस्थान क्लब का पूर्व प्रधान। आज का जो कार्यक्रम देख रहे हैं आपका, हमारा अपना समाज फाउंडेशन ने जो आयोजित किया गया है, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है। ब्रज के कलाकार यहाँ हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी प्रस्तुतियां लोग दे रहे हैं, और इसके सूत्रधार जो सुभाष गोयल जी महामंत्री हैं, प्रधान कपिल जी हैं, दोनों उनकी टीम पूरी भरपूर मेहनत इन्होंने करी होगी, जिस हिसाब से लग रहा है इतना बढ़िया व्यवस्था, चाहे खान पान की व्यवस्था हो चाहे कलाकारों की व्यवस्था हो, बहुत ही सुंदर आयोजन, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली सबको बहुत मंगल में हो। मेरा नाम रविंदर गुप्ता है, मैं दिल्ली का पूर्व मेयर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और आज मेरे को कपिल अग्रवाल जी ने जो यहाँ के हमारा आपका समाज के जो फाउंडेशन के प्रधान है कपिल अग्रवाल जी, महासचिव सुभाष जी है, इन्होंने हम सब लोगों को आज यहाँ पे होली के रंगारंग कार्यक्रम में बुलाया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज होली के पावन पर्व पर पूरी संस्था को, संस्था के सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ, और कपिल जी के लिए, सुभाष जी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि भगवान इनको और शक्ति दे, जिससे ये समाज के लोगों को एकजुट कर इसी प्रकार से रोज नित नए कार्यक्रम करते रहे और समाज को जोड़ते रहे। अब यही कहना चाहूंगा, हैप्पी होली। आज आपका हमारा समाज फाउंडेशन के फाउंडर अध्यक्ष कपिल अग्रवाल जी और फाउंडर महासचिव सुभाष गोयल जी के अथक प्रयासों से और मेहनत से हो रहा है। वैसे तो प्रोग्राम के अंदर एक एक सदस्य का बहुमूल्य योगदान होता है और सभी सदस्यों ने पूरी मेहनत करी होती है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी भी काम का बीड़ा उठा के आगे चलते हैं। ऐसे ही इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में कपिल अग्रवाल जी और सुभाष अग्रवाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ दो वर्षों में संस्था को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना इतना आसान नहीं होता। मैं भी एक सामाजिक हूं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, पर इस संस्था में मैंने देखा पिछले दो सालों के अंदर 10 प्रोग्राम और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, जिस लेवल का आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, जहां दो दो बड़ी टीमें बुलाई हुई हैं जो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, 150-200 वो लोग जो समाज की जानी मानी हस्तियां हैं, जिन लोगों से मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिन लोगों से मिलने के लिए लोग इंतजार करते हैं, ऐसे लोग जब प्रोग्राम के अंदर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, अच्छा लगता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है संस्था की भी और संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों की भी और उनके कार्यकर्ताओं की भी। आज का दिन होली पर्व है, हमारे हिंदू समाज में होली का विशेष महत्व है, आज खुशियों का रंग बिरंगा त्यौहार है, और इस रंग बिरंगे त्यौहार को और आज ज्यादा रंगीन बनाने के लिए हमारे पास दो बैंड आज आए हुए हैं, जो एक आनंद बैंड है, जो मुस्कान मीडिया ने इसका शुरुआत करी थी और बहुत अच्छे भजन गाए थे,
और दूसरी सूफी बैंड जिन्होंने अभी अपनी परफॉर्मेंस दी है और उनके दिए हुए सभी परफॉर्मेंस के लोगों ने बहुत सराहा है। आज के अभी जो चीफ गेस्ट थे हमारे पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता जी यहाँ पधारे हैं, उन्होंने भी आकर इस संस्था की और इसके होने वाले प्रोग्रामों की बहुत प्रशंसा की है। आप चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, वैसे तो आप सभी लोग बहुत सारी संस्थाओं में जुड़ते हो पर ऐसी किसी संस्था में जुड़कर अपना बहुमूल्य समय दें, आपके पैसे का और समय का सदुपयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि अग्रवाल, प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा और सभी को हैप्पी होली। ब्रजेश कुंतल, संघ का कार्यकर्ता हूं, पूर्व में प्रांत का संपर्क प्रमुख रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद हरियाणा का जी। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहें? आज का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जैसे कि बाबूजी ने बताया कि हम सब ब्रजवासी हैं और एक सुंदर भव्य आयोजन में यहां आए हैं और ये होली का कार्यक्रम है, परस्पर त्योहारों का रंगों का कार्यक्रम है, तो सुंदर इस संगठन का नाम जैसे रखा है तो समाज में एक रूपता रहे, अपना समाज ऐसा नाम है संगठन का। इसके लिए दो तीन सुझाव मैं देना चाहूंगा। पूजनीय शेषाद्री जी कहते थे कि जहां भी हिंदू रहता है वो अपने क्षेत्र को, जितने क्षेत्र में उसकी पकड़ है उसी को हिंदू राष्ट्र समझ के अपना काम करे। जिस जगह पर हम रहते हैं, हमारा वो गली हो, मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, सेक्टर हो, तो वहां हिंदू पर कोई भी आपत्ति आती है तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए हिंदू समाज को एकत्रित रहना चाहिए और एक सामाजिक समरसता का कार्यक्रम भी अपने को सबको चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ हिंदू भाई हमसे छिटक के बिछड़ के दूसरे धर्मों में भी जा रहे हैं। उसके लिए जैसे परस्पर रंग एक दूसरे में मिलते हैं तो समाज एक दूसरे में तब मिलेगा जब सेवा बस्तियां हैं, जो वनवासी हैं, गिरवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे सब लोगों को हमारे हिंदू समाज के जितने मंदिर हैं हम उनमें उनके बच्चों को बुलाकर अपने मंदिरों में शिक्षा दें। हम उनके घर भोजन करने तो जाते हैं लेकिन कभी उनको अपने घर भोजन करने नहीं बुलाते। अगर हिंदू समाज को एकजुट रखना है तो ऐसे जो उपेक्षित समाज है उस सबको अपने साथ रख के यही सार्थकता होली पर्व की रहेगी। धन्यवाद। सुभाष जी से कल लगभग 3 साल से संपर्क है और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से वो गरीबों के उत्थान के लिए और समाज को एक साथ जोड़ने के लिए जितना काम कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है और विशेष रूप से मैं बहुत ही प्रशंसा करूंगा और मैं उनको बहुत सफलता की कामना करता हूं कि जो उनके भविष्य के जो उनका कार्यक्रम है, जैसे हॉस्पिटल बनाना है अथवा किडनी के पेशेंट्स के लिए फायदा देना है अथवा वो शिव बिहारी जी का मंदिर यहाँ पर स्थापन करना चाहते हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने इस काम में सफल हो। नाम वासुदेव गर्ग है, मैं आहस अपना समाज से जुड़ा हुआ हूँ और ये आहस बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे समाज के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कपिल भैया, सुभाष जी जो इसके मेन प्रमुख हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां सबको। मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर एनके गोयल अपना समाज का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। हमारे प्रधान जी कपिल जी बहुत ही मेहनत करते हैं, आज के इतना सुंदर आयोजन इन्होंने किया है और ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि ये ब्रज से ही मथुरा से बिलोंग करते हैं इसलिए होली में ज्यादा इंटरेस्ट है। गौर सुंदर अग्रवाल है, मथुरा का रहने वाला हूँ और AHAS फाउंडेशन से और ब्रिज कला के दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी बहुत कुछ मेरे सभी भाइयों ने बोल दिया है तो इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूँ। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।